A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Javier's High School, Sidhwa Parbadhalganj. Today we are going to start chapter 6, molecular basis of inheritance, topic DNA replication. Students, बीच में ये कुछ टॉपिक जो है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट है जिसने प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, मिशेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, ये छूट गया है. और एक आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है जहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि कौन ज़्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए. तो ये टॉपिक जो है हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन को ख़त्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे. द सेंट्रल डोगमा टेल्स अस अबाउट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेल्स. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रिक. ठीक है, तो हमारे लिए एक चीज कही जाती है कि सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक तरीका है किसका, इंफॉर्मेशन के फ्लो होने का, यानी सेल टू सेल या सेल के अंदर ही इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा. एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रिक. जीन्स आर मेड अप ऑफ by pieces of DNA, DNA forms RNA corresponding to it and this RNA forms proteins corresponding to it and this protein decides what you look like and all characters in your body. हम लोग ऑलरेडी जीन्स का डेफिनेशन जानते हैं कि जीन्स क्या है, पीसेज ऑफ DNA है. ठीक है, और ये पीसेज ऑफ DNA के अंदर क्या कैरी होती है, इंफॉर्मेशन कैरी होती है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है. ठीक है, तो डीएनए क्या करता है, डीएनए जैसा डीएनए होगा वो अपने करस्पॉन्डिंग आरएनए को बनाएगा. ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन फ्लो हुआ डीएनए से क्या करने के लिए, आरएनए बनाने के लिए. ठीक है, अब आरएनए क्या करेगा, आरएनए ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करके जैसा आरएनए है वो वैसा प्रोटीन बनाएगा. ठीक है, और ये प्रोटीन ही डिसाइड करता है कि हम लोग कैसे दिखते हैं, यानी हमारी बॉडी की जो ये फिजियोलॉजी है, हम लोग बाहर से हमारा ये जो आउटर अपीयरेंस दिखता है ये पूरा का पूरा प्रोटीन की वजह से है. चाहे वो हमारे स्किन का कलर हो, हेयर का कलर हो, आई का कलर हो, या फिर हमारी हाइट हो, सारे के सारे जो फैक्टर्स गवर्न होते हैं वो किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से. ठीक है, तो हम लोग जैसे दिखते हैं, हमारी बॉडी के जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको डिसाइड करने वाला कौन होता है, प्रोटीन. इन आवर बॉडी डीएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन. तो आप लोग अभी आगे कुछ प्रोसेसेस पढ़ोगे, जैसे जब डीएनए से डीएनए बनता है, यानी डीएनए ही डीएनए को फॉर्म करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन मतलब पता होगा, रेप्लिकेट करने मतलब कि अपने जैसा कॉपी बनाना. तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन. ईच ऑफ अस आर ओरिजिनेटेड व्हेन द मदर्स एग 23 क्रोमोसोम्स आर फ्यूज्ड विद फादर्स स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स टू फॉर्म जायगोट. हम लोग ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए अलग से कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है कि हम लोग रिजल्ट किसके हैं, किस चीज के हम लोग रिजल्ट है, फ्यूजन ऑफ द गैमिट्स फ्रॉम आवर फादर एंड मदर. यानी मम्मी के जो एग है उसका और हाफ है क्रोमोसोम, और पापा के स्पर्म का. ठीक है, दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट, और जायगोट अल्टीमेटली डिवाइड करके हमें बनाता है. जर्म सेल्स हैव हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन कंपैरिजन टू अदर सेल्स ऑफ बॉडी विच आर इन डिप्लॉयड टू एन कंडीशंस. ये चीज मैंने पहले भी बताई है, अब भी बता दे रही हूँ, फिर से एक बार याद कर लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी बॉडी जो है वो डिप्लॉयड है, यानी 2n है. हमारे पास दो हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 23 जो मम्मी से आते हैं, 23 जो पापा से आते हैं. लेकिन जो हमारे बॉडी के जर्म सेल्स होते हैं वो जर्म सेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं. यानी अगर बॉडी के जितने भी अदर सेल्स हैं, स्किन सेल्स होंगे, मसल सेल्स होंगे, हार्ट के सेल्स होंगे, सबके सब डिप्लॉयड होंगे सिवाय हमारे जर्म सेल्स के. हमारा जो जर्म सेल्स होगा वो हैप्लॉयड होता है, तभी तो दो हैप्लॉयड मिलके एक डिप्लॉयड बनाते हैं. ठीक है, तो ये एग रहा, ये स्पर्म, दोनों के फ्यूजन से क्या बन गया, डिप्लॉयड. ये दोनों हैप्लॉयड हैं, 23 इसके पास है, 23, और इन दोनों के फ्यूजन से क्या बन गया, एक डिप्लॉयड बन गया. ठीक है, अब जब ये डिप्लॉयड सेल, यानी कि जो हमारा ये जाइगोट है, ठीक है, जब जाइगोट को डिवाइड करना होगा, क्योंकि जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है,
लेकिन हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर बनाने के लिए क्या होगा, इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा। तो डिवीजन कैसा होगा, यहाँ पे डिवीजन जो होगा वो माइटोसिस वाला होगा। अगर मियोसिस हो गया तो वापस से ही 23 बन जाएगा, और हमें हैप्लॉयड नहीं करना है, हमें क्या बनाना है, एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल बनाना है। तो जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट बनने के बाद डिवीजन कैसा होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, और ऐसे ही एक सेल से कई सेल डिवाइड होके एक नया इंडिविजुअल बना लेंगे। द बिलियन ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी आर फॉर्म फ्रॉम माइटोसिस इन जाइगोट। मियोसिस विल नेवर हैपन हियर बिकॉज वी डोंट हैव टू हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। यानी कि ह्यूमन बॉडी की अगर आप बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैप्लॉयड अगर कंडीशन हो जाती तो उसकी वजह से नहीं बनते। यानी जाइगोट बनने के बाद अगर मियोटिक डिवीजन होने लगता तो क्या हो जाता, जो गैमिट है वो हाफ हो जाता, n/2 वाली कंडीशन आ जाती। तो n/2 कंडीशन नहीं लानी है, हमें 2n कंडीशन बनानी है। इसीलिए जाइगोट बनने के बाद कभी भी मियोसिस नहीं होगा, हमेशा क्या बनेगा, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस की वजह से नए नए सेल्स जो है वो बनेंगे, और इससे क्या होगा, जाइगोट इनिशियल स्टेज में क्या रहता है, यूनिसेलुलर रहता है, सिंगल सेल होता है, लेकिन डिवाइड करते करते जैसे हम लोगों ने स्टेजेस पढ़े थे वो क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर, तभी वो एम्ब्रियो बन जाता है। व्हेन एन इंडिविजुअल इज फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट डज एवरी सेल इन द बॉडी हैव सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ डीएनए। यानी कि जब हम लोग, जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग का स्टार्टिंग इनिशियल सेल तो जाइगोट ही था, जाइगोट के अंदर ही डिवीजन हो के हम पूरे के पूरे कंप्लीट इंडिविजुअल बने हैं। तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं क्या उनके अंदर सेम डीएनए है या डिफरेंट डीएनए, ये क्वेश्चन का आंसर पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सबके अंदर डीएनए जो है वो सेम है, बस डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन सा जीन एक्टिव है कहाँ पे नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे पेनक्रियाज का एग्जाम्पल लिया था, जैसे पेनक्रियाज का काम क्या है, इंसुलिन बनाना। तो इंसुलिन बनाने की जीन स्किन के पास भी है, इसको इंसुलिन बनाने की जो जीन है वो हमारे कार्डियक सेल्स के पास भी है, न्यूरल सेल्स के पास भी है, लेकिन वहां पे वो सारे जीन इनएक्टिव है, एक्टिव कहाँ पे है, पेनक्रियाज में। इसी तरह जैसे स्किन के पास एक पिगमेंट बनता है मेलानिन, तो मेलानिन बनाने का जीन बॉडी के हर एक सेल के पास होगा, लेकिन वो एक्टिवेट कहाँ पे होगा, सिर्फ हमारे स्किन के पास, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे बैक्टीरिया और जो ह्यूमंस का रेप्लिकेशन है, डीएनए का सिर्फ रेप्लिकेशन, वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। हम लोग मेन टॉपिक हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को पता है कि हम लोग के अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, लीनियर फॉर्म में है, 2D में, ठीक है, जो हम लोग को दिखता है। और बैक्टीरिया के अंदर कैसा है, ये सर्कुलर है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो सर्कुलर है। और बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ह्यूमंस के डीएनए के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल इन साइज है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेम इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स व्हाइल ट्रांसक्रिप्शन इज डिफरेंट। तो डीएनए से डीएनए का बनना ही डीएनए रेप्लिकेशन है। तो डीएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया और ह्यूमंस यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे ये पूरा का पूरा सेम है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ये टोटली डिफरेंट है। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। ये हमारा एक डबल स्टैंडर्ड पीस ऑफ डीएनए है, ठीक है। टू मेक अनदर पीस ऑफ डीएनए, दिस पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड्स विल बी सेपरेटेड। अब हम लोग को क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। तो रेप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा कि ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं इनके नीचे दो और बन गया, रेप्लिकेशन हो गया। इस दोनों स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होने के लिए इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये नेक्स्ट फिगर में देख रहे हो कि एक पीस ऑफ डीएनए है, अगर हमें इसका रेप्लिकेशन करना है तो रेप्लिकेशन करने के लिए इन दोनों स्ट्रैंड्स को हमको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गया, जो ब्लू कलर का है ये ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है। दिस काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बिकॉज ओरिजिनल डीएनए इज नॉट कंजर्व। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये दोनों डबल स्टैंडर्ड पीस ऑफ डीएनए सेपरेट हो जाते हैं, तो ये दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद दोनों स्ट्रैंड्स के पास एक नया डीएनए का स्ट्रैंड
बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव क्यों? क्योंकि जो पुराना वाला डीएनए है इसको सेव करके नहीं रखा गया है, इसका नया बन गया है, इसको भी नया मिल गया है, ठीक है। दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैव सर्टेन प्लेसेस फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड। सो देयर इज एन एंजाइम डीएनए ए प्रोटीन विच ओपन्स डीएनए फ्रॉम द रीजन वेयर देयर इज मोर एडेनिन एंड थायमिन बिकॉज इट हैज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज मोर इजी टू ब्रेक देन दैट बॉन्ड बिटवीन ग्वानीन एंड साइटोसिन एट इट हैज ट्रिपल एच बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, अब डीएनए स्ट्रैंड को हमें जब रेप्लीकेट करना है तो ऐसा तो रेप्लीकेशन होगा नहीं, हमें क्या करना होगा, हमें पहले तो इन दोनों को सेपरेट करना है। जैसे यहाँ पे सेपरेट कर लिया, अब सेपरेट करने के बाद भी हमें जरूरत किसकी है, एक एंजाइम की, और उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए ए प्रोटीन। तो ये जो डीएनए ए प्रोटीन होता है ये डीएनए स्ट्रैंड के अंदर ऐसा रीजन खोजता है जहां पे एडेनिन और थाइमिन की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो डीएनए ए प्रोटीन ऐसा रीजन ढूंढेगा, ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे एडेनिन और थाइमिन ज्यादा है, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन को तोड़ना इजी है इन कंपैरिजन टू ग्वानिन एंड साइटोसिन, क्योंकि उनके बीच में ट्रिपल एच बॉन्डिंग होती है। तो ये रहा हमारा सीक्वेंस, टी ए टी ए टी टी ए। तो ये एडेनिन और थाइमिन रिच रीजन हो गया। अब यहीं पे आके जो डीएनए ए प्रोटीन है ये आके अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद इसको ऐसे, जैसे यहाँ पे है, ये ऐसे खींचना शुरू करेगा। द रीजन फ्रॉम वेयर डीएनए ए प्रोटीन ओपन्स द डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। यानी जिस जगह से एडेनिन और थाइमिन वाला रिच रीजन ही, जिस जगह से जो डीएनए ए प्रोटीन है वो डीएनए स्ट्रैंड को खोलना शुरू करता है, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन मतलब क्या होता है यहाँ, रेप्लिकेशन, ओरिजिन मतलब शुरुआत होना। तो यहाँ शुरुआत किसकी हो रही है, रेप्लिकेशन की, इसलिए इस रीजन को क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ORI। बैक्टीरियाज क्रोमोजोम आर वेरी स्मॉल सो इट हैज ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वाइल ह्यूमंस क्रोमोजोम हैव मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अभी बताया हमारा लीनियर क्रोमोजोम होता है, ठीक है, साइज बड़ी होती है, और बैक्टीरिया के क्रोमोजोम की साइज बहुत ही छोटी होती है। तो बैक्टीरिया के जो क्रोमोजोम होते हैं उनके पास सिर्फ एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जबकि हमारे क्रोमोजोम के पास मल्टीपल साइट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं। द प्लेस फ्रॉम वेयर डीएनए ए प्रोटीन ओपन्स द डीएनए स्ट्रैंड्स ए बबल इज फॉर्म। अब जहां पे, जिस जगह पे, यानी कि ये वाला जो प्लेस है, ये वाला, इस जगह पे जब डीएनए ए प्रोटीन डीएनए स्ट्रैंड को खींचना शुरू करेगा तो एक बबल जैसी जगह बन जाएगी, ठीक है, यानी कि वो स्ट्रैंड ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये स्ट्रैंड को खींचा, यहां से डीएनए प्रोटीन ने खींचना शुरू किया, तो यहां क्या बन जाएगा, एक रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा, ठीक है। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच आर सेपरेटेड ट्राइज टू कम टू क्लोज विथ ईच अदर, सो सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट टू कीप दिस स्ट्रैंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑन बोथ द स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड विल बी फॉर्म, दीज आर कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड हैं, ये डीएनए स्ट्रैंड क्या होते हैं, रेप्लीकेशन बबल बनने के बाद ये पास आने की कोशिश करते हैं, यानी वापस से इस पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसको वापस एक लीनियर डीएनए बना देंगे तो क्या होगा, न्यू डीएनए स्ट्रैंड इसके ऊपर नहीं बनेगा, इसीलिए एक तरह का प्रोटीन इसके आगे आके लग जाता है, जिसको कि SSB यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। और ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जब यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तो ये दोनों स्ट्रैंड सब एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में रेप्लिकेशन बबल नहीं दिया हुआ है, हम लोग को रेप्लिकेशन फॉर्क पढ़ना है, ठीक है, FOR के फोर्क, यानी कि जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग को एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है। तो ये वाला स्ट्रक्चर उससे कुछ अलग नहीं है,
रेप्लिकेशन बबल को ही अगर आप हाफ में काट दोगे तो आपको रेप्लिकेशन फोक मिल जाएगा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फोक इज द हाफ ऑफ द रेप्लिकेशन बबल। नाउ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज विल डू द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एज इट विल बी फॉर्म अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो ये रेप्लिकेशन फोक बन गया। अब यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक नया स्ट्रैंड यहाँ पर बनाना शुरू करेगा। इफ मोनोमर इज ज्वाइंटेड टू फॉर्म अ पॉलीमर इट इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। सो डीएनए पॉलीमरेज ज्वाइंस द मोनोमर्स ऑफ डीएनए यूजिंग डीएनए एज इट्स टेम्पलेट। सो दिस एंजाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन आप लोग ने पढ़ा होगा, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब कई मोनोमर्स की यूनिट को ज्वाइन करके एक पॉलीमर बनाया जाता है तो उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए के जो मोनोमर्स हैं उनको ज्वाइन करेगा और ये डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करता है। टेम्पलेट मतलब क्या होता है कि जहां से ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को अपना टेम्पलेट की तरह यूज करता है, इसीलिए इस एंजाइम को क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि टेम्पलेट जब डीएनए होगा तो एंजाइम का नाम क्या देंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब इसको समझते हैं कैसे हैं। सपोज एनी एंजाइम इज मेकिंग आरएनए यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट, सो इट विल बी कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि मानते हैं कि एक एंजाइम है जो कि आरएनए बना रहा है, लेकिन उसका टेम्पलेट क्या है, डीएनए है। टेम्पलेट डीएनए है लेकिन बनाएगा कौन सा एंजाइम, आरएनए। तो ऐसे एंजाइम का नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट जो होगा उसी के नाम पे एंजाइम का नाम रखेंगे। टेम्पलेट क्या है, डीएनए है, बन क्या रहा है, आरएनए। तो एंजाइम का नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इफ एनी एंजाइम इज मेकिंग आरएनए यूजिंग आरएनए एज इट्स टेम्पलेट, सो इट विल बी कॉल्ड एज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि टेम्पलेट भी आरएनए है, बना भी आरएनए पॉलीमरेज रहा है, तो क्या होगा एंजाइम का नाम, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इफ एनी एंजाइम इज मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इट विल बी कॉल्ड एज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो आरएनए से डीएनए बना देते हैं। यानी अभी तक हम लोगों ने जो सेंट्रल डोगमा पढ़ा है, सेंट्रल डोगमा में क्या है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि ये प्रोसेस को ही उल्टा कर देते हैं, वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, उल्टा हो जाता है, हमेशा डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, ये एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और जिनके अंदर ये होता है वहां पे क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन उल्टा हो जाता है, आरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए। तो अगर कोई भी एंजाइम आरएनए से डीएनए बना रहा है तो उसको क्या कहेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज इज अ वेरी हाईली एफिशिएंट एंजाइम। अगर एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में क्या लिखा है कि बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम है। यानी कि वहां पे ई कोलाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, एस्चिचिया कोलाई जिसका बोलते हैं। इसके अंदर 4.6 × 10^6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज ये 4.6 × 10^6 बेस पेयर्स को कॉपी करके एक नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म कर देता है, वो भी सिर्फ 18 मिनट में। यानी कि एक डीएनए स्ट्रैंड का बेस पेयर इतना है, एक दूसरा स्ट्रैंड इतने ही बेस पेयर्स का सिर्फ 18 मिनट्स में बना देता है डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि बहुत ज्यादा ही हाईली एफिशिएंट एंजाइम है। तो ये करने के समय इसकी स्पीड क्या होती है, ये 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये ऐड करता है जब ये बनाता है नया स्ट्रैंड, ठीक है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। डीएनए पॉलीमरेज ऑल्सो डज द प्रूफ रीडिंग, दैट इज इफ एनी रॉन्ग बेस पेयर इज अटैच्ड इट इज कट एंड करेक्ट बेस पेयर इज एडेड। तो डीएनए पॉलीमरेज एफिशिएंट एंजाइम किस तरह से है, ये प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है। प्रूफ रीडिंग यानी कि
जब ये बेस पेयर्स स्ट्रैंड में ऐड करते जाता है, तो अगर सपोज करें कि कोई गलत बेस पेयर वहां जाके अटैच हो गया है, तो ये क्या करेगा, उस बेस पेयर को वहां से कट करके उसकी जगह जो सही बेस पेयर वहां अटैच होना चाहिए उस बेस पेयर को ये ले जाके वहां पे अटैच कर देगा। बट डीएनए पॉलीमरेज की कुछ कंडीशंस होती है वर्क करने की, ठीक है, यानी कि हर कंडीशंस में डीएनए पॉलीमरेज एक्ट नहीं करता है। इट वर्क्स ऑन द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर डीएनए पॉलीमरेज को वर्क कराना है तो हमेशा जो स्ट्रैंड होना चाहिए वो सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, कभी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे डीएनए पॉलीमरेज एक्ट नहीं करेगा, यानी कि ऐसा सिंगल स्ट्रैंड होगा तब यहां से एक नया स्ट्रैंड वो फॉर्म करना शुरू करेगा। इट फॉर्म्स न्यू स्ट्रैंड इन द 5-2-3- डायरेक्शन ऑलवेज, यानी कि हमेशा जैसे ये 5- एंड है, ये 3- एंड है, तो हमेशा 5- से 3- में ये नया स्ट्रैंड जो है वो बनाना शुरू करेगा। ठीक है, ये तो हमारा ओल्ड है, इसी को देख के तो नया स्ट्रैंड बन रहा है, तो इससे मतलब नहीं है, जो नया स्ट्रैंड बनेगा इससे मतलब है, नया स्ट्रैंड हमेशा इस डायरेक्शन बनेगा 5-6-3। द प्लेस फ्रॉम वेयर न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज मेड, देयर शुड बी अ पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल। तो एक प्रॉब्लम है जो कि डीएनए पॉलीमरेज क्रिएट करता है, वो क्या होता है कि ये कहता है कि ठीक है वैसे तो मुझे काम करने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, लेकिन जहां से मैं नया स्ट्रैंड बनाना शुरू करूंगा उस जगह पे मुझे एक छोटा सा पीस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए, यानी कि यहां से ये जो है एक डीएनए का स्ट्रैंड है, यहां पे हमने डीएनए पॉलीमरेज को ऐड किया, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, तब तक न्यू स्ट्रैंड नहीं बनाएगा जब तक यहां पे उसको एक स्मॉल पीस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या टेम्पलेट ना मिल जाए, जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं, मतलब एक टेम्पलेट चाहिए, जो कि टेम्पलेट क्या होना चाहिए, आरएनए होना चाहिए, डीएनए नहीं, क्या बनना चाहिए, आरएनए। ठीक है, तो ये जो पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमर, और ये पीस होता है किसका, आरएनए का, डीएनए का नहीं, किसका पीस होगा, आरएनए का। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा मेरे बोलने में भी कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये वर्क किस पे करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बनाने के लिए इसको टेम्पलेट की तरह क्या चाहिए, टेम्पलेट या इनिशिएटर, अगर आप कुछ कह जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं, कि इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए, एक स्मॉल पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे एक आरएनए का पीस जुड़ता है जिसे कि हम प्राइमर कहते हैं, और एक और एंजाइम होता है प्राइमेज, ये प्राइमेज एंजाइम ही ये प्राइमर को बनाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि आरएनए में थाइमिन तो होता है नहीं है, अरे सॉरी, सो वी नो कि आरएनए के अंदर क्या होता है, थाइमिन को कौन रिप्लेस कर देता है, यूरासिल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्राइमर है, प्राइमर के बाद से ही एक नया स्ट्रैंड जो है वो बनना शुरू होगा। 5-2-3- स्ट्रैंड टेम्पलेट पोलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो पोलैरिटी है कि कौन सा एंड 5- है, कौन सा एंड 3- है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू मेक अ स्मॉल पीस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल सो दैट डीएनए पॉलीमरेज कैन स्टार्ट डूइंग इट्स वर्क। देयर इज अनदर एंजाइम प्राइमेज व्हिच फॉर्म्स अ स्मॉल पीस ऑफ आरएनए कॉल्ड एज प्राइमर। नाउ डीएनए पॉलीमरेज इज रेडी टू मेक द न्यू डीएनए स्ट्रैंड बाई एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो हमें एक स्मॉल पीस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल को बनाना होगा यहाँ पर, ताकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना काम कर सके। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैंने बताया कि एक एंजाइम होता है प्राइमेज, और ये स्मॉल पीस ऑफ आरएनए बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमर, और जैसे ही प्राइमर वहां पे जाके ऐड होता है, डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट करता है और वो डीएनए स्ट्रैंड को बनाना शुरू करता है बाय एडिंग द न्यूक्लियोटाइड्स। तो द पीस ऑफ आरएनए व्हिच प्राइमर्स द डीएनए पॉलीमरेज फॉर इट्स एक्टिविटी, दिस पीस इज कॉल्ड एज प्राइमर, यानी कि वो पीस ऑफ आरएनए जो कि डीएनए पॉलीमरेज को उसका वर्क करने के लिए इनिशिएट करता है, उस पीस ऑफ आरएनए को क्या कहते हैं, प्राइमर।
न्यू स्ट्रैंड विल बी फॉर्म्ड वेयर रेप्लिकेशन फोर्क इज ओपन, ठीक है। तो यहां से नया स्ट्रैंड जो है वो बनना शुरू होगा, लेकिन नया स्ट्रैंड यहां बन के खत्म हो जाएगा। जहां पे रेप्लिकेशन फोर्क जहां तक ओपन है बस वहीं तक स्ट्रैंड बनेगा, यहां पे कभी भी न्यू स्ट्रैंड नहीं बनेगा। द पोलैरिटी ऑफ न्यू स्ट्रैंड इज 5-3 इन अनदर स्ट्रैंड। अब यहां पे क्या है, ये 5 है, ये 3 है, तो यहां पे जब बनेगा दूसरा स्ट्रैंड तो उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, उसकी पोलैरिटी हो जाएगी 5-3, ठीक है। तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी कभी भी फिक्स नहीं होती, पोलैरिटी जो है वो कंपेरेटिव होती है। जैसे कि एक ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एक डीएनए स्ट्रैंड पे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स लेते लेते हैं, जैसे ए बी और सी। तो अगर आप कोई पूछे कि ए और बी की पोलैरिटी क्या है, तो ए और बी की पोलैरिटी जब अगर कोई पूछेगा तो बी जो है वो 5 के ज्यादा करीब है और ए जो है वो 3 के ज्यादा करीब है। तो बी की पोलैरिटी क्या होगी, 5, और ए की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, 3। इसी तरह अगर एक दूसरा पॉइंट ले लिया जाए, तीसरा पॉइंट जिसे सी कह रहे हैं, और ए और सी की पोलैरिटी पूछा जाए, तो ए किसके करीब है, 5 के करीब, और सी किसके करीब है, 3 के करीब। तो पोलैरिटी ऑफ सी विल बी 3 एंड पोलैरिटी ऑफ ए विल बी 5। बाय हियर द रेप्लिकेशन टॉपिक इज हाफ कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट अनदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टॉपिक एंड देन द एक्सपेरिमेंट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द वीडियो, काइंडली आस्क मी। थैंक्स।